गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एजेड पर। मैं हूं विशाल श्रीवास्तव और आज है 6 अप्रैल 2019। तो 6 अप्रैल 2019 से रिलेटेड करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक्स पॉइंट होंगे उन सब का आज हम लोग डीप डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस दूरसंचार कंपनी ने हवाई जहाज़ों में उड़ानों पर इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्राप्त कर लिया है। इन फ्लाइट कनेक्टिविटी होता है क्या कि इस सुविधा के जरिए आप हवाई जहाज़ों में सफ़र करते समय इंटरनेट या कॉल इन सब का लाभ उठा सकते हैं यदि आप उस पर्टिकुलर कंपनी का सिम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, BSNL। ओके, और BSNL के बारे में थोड़ी और जानकारी रख लें, इनके चेयरपर्सन है अनुपम श्रीवास्तव और BSNL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच 7वां विदेश कार्यकाल परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया? भारत और इटली के बीच, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और इटली के बीच 7वां विदेश कार्यकाल परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो और इटली के PM है ग्योसेप कॉन्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS और किस IIT ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। और BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसके महानिदेशक हैं सुरीना राजन। BIS का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके 5 रीजनल ऑफिसेस हैं। यदि आप चाहें तो 5 रीजनल ऑफिसेस लिख सकते हैं, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, नॉर्थ में चंडीगढ़, साउथ में चेन्नई और सेंट्रल हेडक्वार्टर जो रीजनल ऑफिस का है वो है दिल्ली। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने मालवी देश में IAIARDA स्थापित करने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया? मालवी देश, पहले इसके बारे में जानते हैं। मालवी देश, इसकी राजधानी है ली लोंगवो और मुद्रा है क्वाचा। और अब इसके राइट आंसर को देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैबकॉन्स। इस नैपकॉन्स को नाबार्ड के साथ कंफ्यूज मत करना। नैपकॉन्स की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। आई रिपीट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, जबकि नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, NHB का फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक और एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नैपकॉन से। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक बैंक में बीमा प्रोडक्ट्स के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। और कर्नाटक बैंक जब न्यूज़ में आ गया है तो खासकर वैसे एस्पिरेंट्स जो बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि कोई भी बैंक हो, कोई भी संस्थान हो, उसका हेडक्वार्टर और MD CEO जरूर करके जाएं। तो कर्नाटक बैंक के MD & CEO हैं महाबलेश्वर MS और कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलुरु। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। BSE और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने किस विदेशी स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर वन, मास्को एक्सचेंज, जो कि हमारा राइट आंसर है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि BSE और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पहले भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जिन्होंने मास्को एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। आपको BSE के MD & CEO के नाम कमेंट्स करके बताने हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो SBI और LIC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, CS राजन। और साथ ही साथ ये भी जान लें जो ऑप्शन नंबर बी में नाम है विनीत नैयर को कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर IL&FS को मैं डीप डिस्कस करने वाला हूँ। IL&FS वह कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देती है और इसको 1987 में इस कंपनी को बनाया गया था। आपको याद होगा जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही फिलहाल में एक चेनानी नासरी टनल बनी थी NH 44 में, तो उस प्रोजेक्ट को भी IL&FS कंपनी ने ही फिनांस किया था। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि चेनानी नासरी टनल की लंबाई कितनी है? और यहाँ पर एक कन्फ्यूज मत होना
INFS कंपनी जब लोन प्रोवाइड कर रही है तो ये एक बैंक है? जी नहीं, ये एक बैंक नहीं है। ऐसे कंपनी को हम लोग एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए सेबी से मंजूरी प्राप्त कर ली? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो LIC AA और SBI की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पेटीएम मनी। और पेटीएम कंपनी के बारे में, जब पेटीएम कंपनी न्यूज़ में आई है तो आप ये भी जान लें कि पेटीएम कंपनी जो है ये 197 कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा चलाया जाता है। दैट मीन्स पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन चैनल। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD एंड CEO है सतीश कुमार गुप्ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग BBB पर अपरिवर्तित रखा है? देखिए, रेटिंग एजेंसीज विशेष तौर से इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो किसी भी देश या किसी पर्टिकुलर कंपनी या बैंक को रेट करती है। इनकी रेटिंग्स पर ही कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर या उसी देश के इन्वेस्टर इस बात से डिसाइड करते हैं, इस बात को लेकर आभास करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में या इस पर्टिकुलर बैंक में या देश में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, अपने फ्यूचर से होने वाले खतरों से बचने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिच। और फिच रेटिंग एजेंसी एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसके CEO है पॉल टेलर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, RBI ने नकदी की स्थिति को बढ़ाने के लिए किस मानदंड में बदलाव किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, LCR। LCR का फुल फॉर्म जान जाइए, LCR का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। और ऑप्शन नंबर 1 में जो आ रहा है PSL, इसका फुल फॉर्म है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और MSF की फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, RBI ने वर्ष 2019-20 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितना किया? ये क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो 100% आप इस बात को जानते हो कि कोई क्वेश्चन आए या ना आए, GDP ग्रोथ का क्वेश्चन 100% रहता है। ओके, तो RBI ने पहले क्या किया था, RBI ने इससे पहले जो अनुमान लगाया था भारत का GDP ग्रोथ, वो 7.4% का अनुमान लगाया था, अब इसे घटा करके 7.2% कर दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 7.2% है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ष 2019 का जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस का विषय था, थीम था, वो था हिंद महासागर अवसर का महासागर। आई रिपीट, हिंद महासागर अवसर का महासागर। और ये भी जान जाइए कि पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय सेना ने किस राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध का विमान के मलबे की खोज की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। और यदि आपसे पूछा जाए किस जिले में, तो अरुणाचल प्रदेश के रोइंग जिले में इसकी खोज की गई है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश का विमान मिला है, तो यह विमान अमेरिका की सेना का है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जस्टिस TBN राधाकृष्णन ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता हाईकोर्ट की। और मैं आपको बता दूं, किसी भी राज्य में जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस जिन्हें नियुक्ति की जाती है, उन्हें उस राज्य के राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं। तो कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने इन्हें शपथ दिलाई। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो इसमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपसे मैं कहता हूँ कि कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरी रहे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चन, अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।